Hi, everybody! Very warm welcome to the channel, and I am your English educator, Shipra Mishra. And I hope you guys are doing fine. So, today we are going to have Top. जो कि बड़ी खूबसूरत पोम है नीचे के बैलेंस के बारे में बताती है और बात करती है मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में जो कि है माँ का प्यार जी हाँ किस तरीके से माँ अपना प्यार दिखाती है और मम्मी का जो प्यार होता है वो दुनिया के किसी भी फॉर्म ऑफ लव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस पोम के अंदर तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं सो so, इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है हाँ जी इट्स इज द लेबर्नम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल सबसे पहले तो यहाँ पर यह लेबर्नम टॉप क्या है ये जान लीजिए तो आपने ख़ास करके इस मौसम में ये जो फॉल वाला मौसम है इस मौसम के अंदर एक ऐसा पेड़ देखा होगा ज़रूर देखा होगा जिसकी एकदम एकदम पत्तियां से पीली हो जाती हैं एकदम येलो कलर की हो जाती हैं और वो पूरा पेड़ येलो कलर का हो जाता है और फिर उनमें से वो जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरने लगती है और आसपास पूरा सब कुछ वो येलो 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 कर देता है उस पेड़ को हम लेबर्नम टॉप कहते हैं जहरीला नेचर है उसका पॉइजनस नेचर है उसका और वो जो लेबर्नम ट्री है उस लेबर्नम ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है एकदम यू नो जो टॉप वाला हिस्सा है उसे हम लेबर्नम टॉप बोला है हमने यहाँ पे सो so, ये जो पेड़ है ये जो पेड़ है इस पेड़ के टॉप पे यानी इस पेड़ के टॉप वाले हिस्से पे अगर हम देखते हैं तो आपको एक अजीब सा साइलेंस महसूस होता है पेड़ काफी लंबा है और उसका जो टॉप वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है काफ़ी ज्यादा स्टिल है यू नो वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है कुछ नहीं हो रहा है काफ़ी एकदम यू नो आ, कह सकते हैं ठहरा हुआ वो पेड़ का हिस्सा है इन आफ्टरनून येल्लो सेप्टेम्बर सनलाइट अच्छा अब ये जो ये जो पूरा दृश्य है येल्लो कलर के खूबसूरत से पेड़ का हाँ जो जहरीला है नेचर में और उसका टॉप हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा साइलेंट बहुत ही ठहरा हुआ जो है ये जो दृश्य है ये दृश्य कब का है ये दृश्य है आफ्टरनून का दोपहर का दोपहर तो का दृश्य है येलो सेप्टेम्बर सनलाइट आपको यहाँ पर और देखने को मिल रही है ऐसा होता है ना बारिशों के बाद में जो वो तीखी सी धूप आती है ना जो आपको सेप्टेम्बर के अंदर अक्टूबर के महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है एग्जैक्टली वही धूप यहाँ पर भी है तो बारिश का मौसम जो है वो जा चुका है फॉल सीजन आ चुका है और उस फॉल सीजन के अंदर आने वाली वो खतरनाक येलो सनलाइट जो है वो इस ट्री पर अभी पड़ रही है एकदम एक, एक अजीब सी शांति एक अजीब सा स्टिलनेस हमें यहाँ महसूस होता है अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन हम देखते हैं कि जो लेबॉरम ट्री है इसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो येलो हो चुकी हैं ठीक है हम देखते हैं कि इसकी कुछ पत्तियां येलो हो चुकी हैं और इसके जितने भी सीड्स हैं इसके जितने भी सीड्स हैं वो ऑलरेडी गिर चुके हैं ऑल इट्स सीड्स फॉलन ठीक है तो इसकी पत्तियां येलो हो चुकी हैं और इसके सीड्स जो हैं वो गिर चुके हैं टिल द गोल्फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प अ स्टार्टमेंट एट द ब्रांच एंड तो बच्चों ये जो है ये हम लोगों को एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें येलो येलो हर चीज़ येलो है पेड़ येलो है येलो सनलाइट आ रही है ठीक है इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि लीव्स भी येलो हो रही है जो सीड्स गिर रहे हैं येलो तो ये जो येलो है ना ये येलो एक्चुअली शांति का प्रतीक है खूबसूरती का प्रतीक है पर उसके साथ साथ डेथ का प्रतीक है लेबर्नम खुद डेथ का प्रतीक है एंड का प्रतीक है क्योंकि आप देखिए ना लेबर्नम एक ऐसा ट्री है जो पॉइजनस माना गया है अब यार पॉइजनस ट्री के पास कोई नहीं जाना चाहेगा और कोई नहीं जाना चाहेगा तो ये बेचारा अकेला रह जाता है एकदम शांत एकदम स्टिल रह जाता है ठीक है और आप देख रहे हैं किस तरीके से एक सीजन एंड हो रहा है है ना एक सीजन एंड हो रहा है और हम जा रहे हैं फॉल सीजन की तरफ विंटर्स की तरफ ठीक है तो हमें ये भी दिख रहा है कि ये विंटर्स की तरफ हमको लेकर जा रहा है हम देख रहे हैं ट्रीक भी बहुत ही पॉइजनस है एंड डिनोट करता है येलो शब्द जो है ये अपने आप में पीस डेथ ब्यूटी इनको डिनोट करता है और उसके साथ में ये जो पत्तियां मरकर गिर गई हैं ये जो पत्तियां हैं जो इस ट्री से अलग हो गई हैं, ये जो गिर गई हैं, ये भी अपने लाइफ साइकिल का एंड बताती है वो सीड्स जो कि यहां से गिर रहे हैं पेड़ पे से गिर रहे हैं ये सीड्स भी इस पूरे साइकिल का एंड डिनोट करते हैं तो हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ एकदम हम कह सकते हैं इसके अंदर एक अजीब सी देखने को मिल रही है कुछ बदलाव नहीं है कुछ चेंज नहीं है इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर सैडनेस मेलनली देखने को मिल रहा है किस तरीके से आ, एक, एक एक एंड की तरफ ये पूरा पोम लेकर जा रहा था बट 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 ये लेबर्नम के लाइफ में वो कहता है ना फिर क्या फिर ऐश्वर्या एग्जैक्टली exactly वही हुआ क्योंकि जैसे ही लेबोनम टॉप का इतना बुरा हालत है कि वो साइलेंट है स्टिल है ठीक है और एकदम एंड की तरफ जा रहा है वैसे ही गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच क्या है ये भी येलो कलर की एक बर्ड है क्या है ये एक येलो कलर की बर्ड है तो गोल्डफिंच आती है और जैसे ही वो आती है अपनी ची 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 के साथ में एकदम ची 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 ऐसे बोलती बोलती सी वो आती है आवाज निकालती हुई वो आती है तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है एक सडननेस आ जाती है ब्रांच जो है ना उसकी टहनी जो है उस ब्रांच के एंड में एक अजीब सी सडननेस महसूस होती है एक स्टार्टमेंट महसूस होता है ऐसा लगता है जैसे वो आ गई है तो पता नहीं कुछ तो हो गया है कोई तो स्विच ऑन हो गया है और एकदम से एक अजीब सी मूवमेंट वहां पर ब्रांच एंड के अंदर महसूस होती है अब फिर क्या फिर एकदम चिपकली जैसे टेंसलीक एज अ लिजर्ड अब चिपकली क्या करती है चिपकली को आप देखोगे एक पल आप देख रहे हो आप नोटिस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो एंड देन सेकंड आपने नीचे देखा एंड देन यू लाइक अरे कहां गई है ना ऐसा होता है ना एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है बोला उतनी ही स्मूथनेस के साथ में उतनी ही स्मूथनेस के साथ में जितनी स्मूथ एक लिजर्ड होती है उतनी ही अलर्टनेस के साथ में एकदम चौकन्नी होके और अब्रप्टली एकदम से ठीक है एकदम तुरंत से एकदम लिजर्ड की स्मूथनेस के साथ में चौकन्नी होके एकदम तुरंत से गोल्डफिंच जो है शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन starts अप अभी तक तो वो पेड़ की तरफ चीची चीची करते हुए उड़ती हुई आ रही थी पर अब वो पेड़ के अंदर जा रही है तो वो एकदम बहुत ही इधर उधर देखकर चौकनी होके पेड़ की थिकनेस के अंदर ब्रांच की थिकनेस के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो ब्रांच की थिकनेस के अंदर घुसती है मानो जैसे कि एक मशीन शुरू हो गई हो मानो जैसे कि एक मशीन शुरू हो गई हो मशीन किस चीज की चिटरिंग की अरे किसी ने चाबी भर दी हो ची 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 एंड ऑफ विंग्स अब देखने को मिलता है कैसी एक मशीन शुरू हो गई हो और साथ ही साथ में विंग्स का फ्लैप करना पूरा एकदम फ्लैप करना बार 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 बार, बार विंग्स को पंखों को लहराने की आवाज आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स पूरा का पूरा पेड़ एकदम से काटने लग गया हो मूव करने लग गया हो वाइब्रेट करने लग गया हो नाचने लग गया हो अभी तक ये जो पेड़ है इस पेड़ में जान भी नहीं थी अभी तक इस पेड़ में जान भी नहीं थी ये जो पेड़ है एकदम शांत खड़ा हुआ था सितंबर सनलाइट में एकदम शांत एकदम साइलेंट एकदम स्टिल पर एकदम से यहाँ पर आ जाती है फिंच और गोल्ड फिंच की आते ही मानो बाहर आ जाती है क्योंकि जैसे ही एंटर करती है, एक मशीन शुरू हो जाती है उसके एंटर करते ही पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है खूब चहकने की आवाज आने लगती है मानो इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली यहाँ पर बच्चों दो इंटरप्रिटेशन निकल कर आते हैं पहला यहाँ पर ये जो इट है ये इट क्या है ये इट बहुत बार लेबर्नम टॉप को माना जाता है अगर हम बेसिक यहाँ पे प्रनाउंस को देखें तो ये इट लेबर्नम टॉप को माना जाता है और अगर हम लोग एक्चुअली इस पूरे फ्रेज का मीनिंग देखें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है जैसे कि अपनी फैमिली की गोल्डफिन जान है इसीलिए बहुत सारे जगह लेबर्नम टॉप और बहुत सारे जगह गोल्डफिंच इसको बताया जाता है ठीक है तो अब आपको क्या करना है वही मार्क करना है जो स्कूल में कराया है अगर स्कूल में गोल्ड फिंच कराया है तो इट को गोल्ड फिंच मानेंगे ठीक है और अगर आपको लेबरनम टॉप कराया तो आप लेबरनम टॉप मानेंगे दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर एक एक्सप्लेनेशन लेबर्नम टॉप का देखें तो यार लेबर्नम टॉप में क्या बचती है उसकी फैमिली की जान बचती है उसकी फैमिली की जान बचती है बचती है क्योंकि किसी भी मशीन का इंजन जो है वो उसकी जान होता है एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है यहां पे और अगर इसे गोल्ड फिंच के एंगल से देखें तो मान सकते हैं कि पूरी फैमिली की जान जो है वो गोल्ड फिंच है वो गोल्ड फिंच है क्योंकि गोल्ड फिंच के आते ही पूरी फैमिली जो है वहां पर एकदम से ची 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 ची, ची करना शुरू कर देती है मानो जैसे कि कोई मशीन शुरू हो गई हो और वो मशीन के लिए इंजन कौन हो गोल्ड हो। it, फोल्ड एंड floats आउट टू अ ब्रांच एंड अब बच्चों यहां पर आप सोच रहे होंगे गोल्डफिंच करने क्या आई थी यार गोल्डफिंच जो है गोल्डफिंच अपना मदरली लव शो करने आई थी गोल्डफिंच अपने बच्चों को खाना खिलाने आई थी देखो यार एक माँ का जो रोल होता है ना वो मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर कोई डिफाइन नहीं कर सकता बट एक माँ ही कर सकती है और उनको पता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें हर जो चीज़ वो हमारे लिए करती है वो कमी लगता है है ना? टू समस्टेंड कभी भी आप देखना जब भी आपकी सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आपको सिक्योर सबसे पहले करेंगी जब आपके खाने की बात आएगी वो पहले आपको खिलाएंगी आपके रहने की बात आएगी वो पहले आपको सुरक्षित यू नो कहीं पर रुकवाएंगी और फिर वो खुद के बारे में सोचेंगी तो माँ सेल्फलेस होती है वो पहले अपनी बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी फूड की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देती है एग्जैक्टली exactly ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था लेबोनम टॉप जो है इस टॉप में बाकी सारे लोग नहीं आते हैं बाकी सारे जानवर पशु पक्षिया नहीं आते हैं तो ऐसे में गोल्डफिंच ने अपना घोसला वहां बना लिया है और अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को उस घोसले के अंदर रख दिया है अब उस घोसले में बाकी हो सकता है कुछ बड़े पक्षी आ जाए और आकर बच्चों को खा जाए तो इसीलिए उसने क्या किया क्योंकि वो खुद येलो कलर की है उसके बच्चे येलो कलर के हैं उसने येलो कलर का पेड़ जो है वो चूज़ किया है ताकि किसी को मालूम ही ना चले कि यहाँ पर उसके बच्चे हैं तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उसने लेबर्नम टॉप को चूज़ किया वहाँ पर उसने घोंसला बना लिया है और उस घोसले में वो आती है खाना लेके वो खाना लेकर आती है और बच्चों का पेट पूरी तरीके से भर देती है तो बच्चों का पेट पूरी तरीके से जब भर जाता है तो वो भी ब्रांच एंड तक चली जाती है अब जब बच्चों वो ब्रांच एंड तक जाती है तो एकदम से जब उसके सामने से वो पत्तियां हटती है तब तो हमें उसकी शक्ल देखने को मिलती है हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क अभी तक गोल्डफिंच और गोल्डफिंच के बच्चे तो खैर अभी भी कैमोफ्लैच हैं। गोल्डफिंच भी यहाँ पर कैमोफ्लैच थी क्योंकि वो खुद भी येलो कलर की है और पेड़ भी येलो कलर का है तो आपको दिखेंगे नहीं वहां पे ना आपको आपको फर्क नहीं दिखेगा बट तो जैसे उन पत्तियों से वो बाहर निकल कर आती है उसके फेस पर बनी हुई बार्स, उसके फेस पर बनी हुई इस तरीके की लाइनें जो हैं ये जो बार्स बने हुए होते हैं उसके फेस पे वो फेस पे वो बार्स दिखने लग जाते हैं अब वो कैमोफ्लैश नहीं है अब वो इजीली उसकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई है कि ये तो गोल्डफिंच है और जैसे ही तुरंत वो बाहर निकलती है वो पर्दा उसके मुंह से हटता है उसकी आइडेंटिटी हमें दिखती है वैसे ही डेलीकेट विस्परिंग फिर क्या करती है वो फिर बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से बड़े ही स्ट्रेंज बड़े ही डेलीकेट तरीके से नाजुक तरीके से वो विसल करती है वो सीटी बजाती है चॉप तो विस्परिंग वो यहाँ पर चॉप करती है वो विस्पर करती है ची 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 करती है एंड देन शी लॉन्च अवे क्योंकि एक सिंगिंग बर्ड है तो ये गाना गाती है और ये जो गाना गा रही है गाना गाते गाते शी लॉन्चेज अवे यानी शी फ्लाइज अवे वो उड़ जाती है टूअर्ड्स दी इनफाइनाइट वो उड़ जाती है टूवर्ड्स दी इन्फाइनाइट इनफाइनाइट बोले तो स्काई वो उड़ जाती है टुअर्ड्स द इनफाइनाइट यानी कि स्काई की तरफ एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम और लेबर्नम एकदम वैसा ही हो जाता है जैसे कि स्टैंजा वन में था वैसे ही अकेला स्टिल साइलेंट डिपिक्टिंग एंड हाँ एकदम वैसा ही हो जाता है तो बच्चों ये जो पोम है ये एक बैलेंस को यहां पर दिखाती है इस तरीके से लेबर्नम गोल्डफिंच के बच्चों का ख्याल रखता है उन्हें प्रोटेक्शन देता है उन्हें सेफ रखता है उन्हें सिक्योर रखता है उसके कलर की वजह से और उल्टे हाथ अगर हम देखते हैं तो गोल्डफिंच जो है वो लेबर्नम के अंदर वो एक्टिविटी वो जोश वो एनर्जी वो मूवमेंट लेकर आती है जो लेबर्नम चाहता है नहीं तो बेचारा लेबर्नम अकेला थकेला बस अकेला से ही रह जाता है स्टिल ही रह जाता है साइलेंट ही रह जाता है तो लेबर्नम स्टिल और साइलेंट रहकर सबका ध्यान अपने के अपने से दूर फेंकता है बच्चों को सिक्योर रखने के लिए और गोल्फिंच बदले में वहाँ पर आकर उसके अंदर उस मूवमेंट को लेकर आती है उस उस वाइब्रेशन को लेकर आती है उस म्यूजिक को लेकर आती है और फिर वो वापस चली जाती है और लेबर्नम फिर से आ, अकेला थकेला हो जाता है फिर से वो अपने सिक्योरिटी मोड में आ जाता है इसके साथ में ये पोम बात करती है माँ के प्यार के बारे में जो अपने बारे में बिल्कुल ना सोच के वो चली जाती है दुनिया को फेस करने के लिए और बच्चों को एकदम बहुत ही से बहुत ही सिक्योर जगह छोड़ देती है ताकि उन्हें कुछ ना हो तो दैट्स इट फॉर द पोम लेबर्नम टॉप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हाँ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के सारे वन शॉट्स कंप्लीट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक केयर